ये स्टोन आखिर उड़ कैसे रहा है और क्या हुआ जब एनाकोंडा और टाइगर भिड़ गए? और इस दुनिया में सबसे लंबी नाक किसकी है? और कभी आपने एक बॉल में 286 रन बनते हुए देखे हैं? ऐसे गजब फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। नंबर 30, सनग्लासेस को तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा अपने अलग अलग रीजंस के लिए, पर आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि जो सनग्लासेस थे उन्हें सबसे पहले चाइनीज जजेस के लिए डिजाइन किया गया था ताकि वो कोर्ट में अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को छुपा सके। इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल। नंबर 29, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके नेटवर्थ आज के समय में करीब 4,000 करोड़ रुपए है, और उनकी अमीरी का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि उनकी जो ये वॉच आपको दिख रही है, जो कि फ्रैंक म्यूलर कंपनी की है, उसकी प्राइस है 1.2 मिलियन यूरोज, यानी कि 11.3 करोड़ रुपीज। लिटरली सिर्फ एक वॉच की प्राइस 11 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 28, ब्रेवरी क्या होती है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप इस अमेजिंग इमेज को देखकर जान पाओगे, जिसमें सबसे हटकर सिर्फ एक बोल्ड मैन ऑगस्ट लैंडमैसर ही हिटलर और उसके वायलेटिव आइडियाज को सल्यूट करने से मना कर रहा है, जबकि वो ये बात बखूबी जानता है कि उसके बाद उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा और एट लास्टली उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 27, जापान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ मौजूद है जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। इस लॉ यानी कि इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी वर्किंग डे, यानी कि जिस दिन सभी लोग काम पर जाते हैं, अगर वो दिन दो पब्लिक हॉलीडेज के बीच में आता है तो वो भी एक पब्लिक हॉलीडे बन जाता है। मतलब अगर कोई भी वर्किंग डे दो पब्लिक हॉलीडेज के बीच में आएगा तो अपने आप ही एक पब्लिक हॉलीडे बन जाएगा, और इस लॉ को सिटीजन हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है ना, ये अमेजिंग लॉ। नंबर 26, रेड पांडा जब भी डरे हुए महसूस करते हैं तो वो अपने पंजे और शरीर को कुछ इस तरह ऊपर उठाते हैं ताकि वो और खतरनाक और बड़े लग सके। पर अगर सच पूछो तो ये डरावने तो नहीं बल्कि क्यूट लगते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 25, ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सबसे रेयर व्यू, जिसमें कि लोग इस स्टैचू के सबसे ऊपर वाली बालकनी में खड़े हैं, और जो ये एग्जिट आपको दिख रहा है इसे 1916 में बंद कर दिया गया था। नंबर 24, हम हमेशा से ही नाक को अपनी इज्जत से जोड़ते हैं, और हमेशा से ही ये कहावत सुनते आए हैं कि तुमने मेरी नाक ऊंचा कर दिया या फिर तुमने मेरा नाक कटवा दिया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूरे दुनिया में किसके पास ये इज्जत वाली नाक सबसे बड़ी है? तो इसका जवाब है ये, इनका नाम है मेहमेत ओजुरेक, और इनके पास अब तक की सबसे बड़ी 8.8 सेंटीमीटर की नाक मौजूद है, जिसका मेजरमेंट 2010 को किया गया था। मतलब अगर इसे कॉमेडी वे में देखें तो इनका इज्जत डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा है, क्योंकि इनकी नाक इतनी बड़ी है। नंबर 23, आज हम इंसानों ने मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसमेंट कर ली है, और इस बात का अंदाजा आप इन दोनों फोटो को देख के लगा सकते हो। इस लड़की की ऑर्थोगेंटिक सर्जरी हुई है, और ये फर्स्ट पिक्चर सर्जरी के पहले की पिक्चर है, और ये सर्जरी के बाद की। इट्स क्रेजी। नंबर 22, आप क्रिकेट के फैन हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि एक बॉल में मैक्सिमम 6 रन ही स्कोर किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बॉल में 250 से भी ज्यादा रन स्कोर किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक बार 1894 के एक मैच में कुछ ऐसा ही हुआ था। हुआ ये था कि उस मैच के दौरान एक बैट्समैन ने एक बॉल को इतना तेज हिट किया कि वो बॉल सीधे जाकर ऊंचे पेड़ में स्टक हो गई, और उस समय के रूल्स के अकॉर्डिंग उन दोनों बैट्समैन ने लगभग 6 किलोमीटर भागकर 286 रन स्कोर कर लिए। 21, क्लियोपेट्रा जो कि एक समय इजिप्ट की बहुत बड़ी रूलर थी, और आप उनके इस स्टैचू को भी देख सकते हो, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट ने फोटोशॉप की मदद से उनके स्टैचू को री इमेजिन किया और उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि मानो कि वो 21st सेंचुरी में कैसी दिखती, और आप उसकी डिजाइन को देख सकते हो। नंबर 20, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, ये आपको पता है, पर आप मानोगे नहीं कि आज भी बड़े ग्लेशियर्स में बहुत से वायरसेस और बैक्टीरिया मौजूद है। जैसे कि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट बहुत इफेक्ट हो रहा है, और अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो ऐसे ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया बाहर आएंगे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 19, आपने बहुत सारे मौत को तो देखा ही होगा जो कि ऐसे लगते हैं, पर आपने ऐसे मौत को नहीं देखा होगा, इसे ऑस्ट्रेलियन मौत कहते हैं, और यह धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और अनोखे जीवों में से एक है, और आप मानोगे नहीं कि ये उड़ भी सकते हैं। नंबर 18, अगर आपको
में कभी भी लगे कि आपको आपका कोई पीछा कर रहा है तो आपको कभी भी अपने घर उस कॉमन रोड से नहीं जाना चाहिए जिससे आप आमतौर पर जाते हो, क्योंकि अगर सच में आपको कोई फॉलो कर रहा होगा तो ये उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा आपको कॉट करने का, क्योंकि आपके घर का पता लगाने के बाद वो इजीली जान लेगा कि कब आप अपने घर में आते हो और कब आप अपने घर से बाहर जाते हो। इसलिए सतर्क रहें। जय। नंबर 17, यूट्यूब कंपनी का लॉस एंजेलिस में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और उस जगह को अपनी वीडियोस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। बस शर्त ये है कि आपके सब्सक्राइबर 10,000 या उससे भी ज्यादा होने चाहिए आपको वहाँ वीडियोस बनाने के लिए। नंबर 16, आपने इजिप्ट में ममीज तो देखे ही होंगे, पर अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो इजिप्शियन बेबी होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक दिन उनके पापा भी उनके मम्मी बन जाएंगे। डोंट टेक इट सीरियस, जस्ट जोक। नंबर 15, बेंटली जो कि बहुत बड़ी लग्जरियस कार की कंपनी है, पर एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि बेंटली की जो कस्टमर्स होते हैं वो एवरेज 3 कार ओन करते हैं, मतलब लगभग बेंटली के हर कस्टमर के पास 3 कार्स होते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें बुगाटी कंपनी की, तो उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो एवरेज 84 कार्स, 3 जेट्स और एक याच ओन करते हैं। ये होता है डिफरेंस बेंटली और बुगाटी में। नंबर 14, साल 2012 में एक वुमेन ने एक चिकन के छोटे से टुकड़े को ईबे पर $8,100 की कीमत में बेच दिया, जो कि इंडियन रुपीस में 6,00,000 रुपए के बराबर है। और वो चिकन का टुकड़ा इतना महंगा सिर्फ इसलिए बिका क्योंकि उसका शेप जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा दिखता था, जो कि यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और आप इस इमेज में उस चिकन को देख सकते हो। मैं तो इसका 150 रुपया देगा। नंबर 13, अगर आप अच्छी और फास्ट रनिंग करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक टिप को फॉलो करना होगा, वो है कि आप जितना हो सके शांत एकदम चुपचाप रहकर रनिंग करो। अगर आप में से कोई भी रनिंग करता है तो मेरी इस टिप को फॉलो जरूर करना, आपको कुछ ही दिन में रिजल्ट मिलने लगेंगे। नंबर 12, आपको इस समय जो ये वुमन दिख रही है इनका नाम है डेबी स्टीवंस, जिन्होंने अपने बॉस की जान बचाने के लिए उन्हें एक किडनी फ्री में डोनेट कर दी। पर आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि डेबी को उसके बॉस ने कंपनी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि डेबी की सर्जरी होने के बाद वो बहुत लंबा समय ले रही थी रिकवर होने में। मतलब कि आप सोच सकते हो कि आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नंबर 11, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्रीजर के अंदर कितने देर तक रह सकते हो तो शायद आप में से कोई मेरी ये बात मानेगा, उल्टा आप बोलोगे छोरा गाना बबला हो गया ऐसे, पर आपके माइंड की कुल्फी जम जाएगी जब आप जानोगे कि अलास्का में एक ऐसा वुड फ्रॉग भी पाया जाता है जो 7 महीने तक फ्रीज्ड हुए रहता है। वाओ। नंबर 10, क्या आपको पता है कि टर्टल की एक बाइट 1,000 टाइम ज्यादा पेनफुल होती है डॉग की बाइट के मुकाबले। मतलब कि अगर कोई कछुआ आपको काटेगा तो उसका दर्द एक कुत्ते के काटने से 1,000 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। नंबर 9, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ इनसे जिनका नाम है सू अहियान, जिन्होंने इकोनॉमिक की फील्ड में ग्रेजुएशन की है। पर आपका दिमाग ये जानकर ब्लास्ट हो जाएगा कि इन्होंने केबीसी जैसे एक शो में 2 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल और फोन अ फ्रेंड यूज करी थी इस प्लैनेट के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जो था वेयर इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लोकेटेड। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्हें इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 लाइफलाइन का यूज करना पड़ा। नंबर 8, आईफोन से सबसे पहला पब्लिक कॉल स्टीव जॉब्स ने स्टारबक्स, जो कि एक बहुत बड़ी कॉफी की कंपनी है, उन्हें किया था और स्टीव जॉब्स ने उन्हें 4,000 कॉफी का ऑर्डर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने 4,000 कॉफी का ऑर्डर दिया, पर उन्होंने ऑर्डर देने के बाद बोला कि ये कॉल सिर्फ एक मजाक था। नंबर 7, अब मैं आपको जो बताऊंगा ये चीज आपके बहुत काम आ सकती है। बात ये है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको उठते ही अपना मुंह पानी से भरना चाहिए और फिर अपनी आंखों को पानी से धोना चाहिए। अगर आप इस चीज को हर दिन करते हो तो धीरे धीरे आपकी आई साइट इंक्रीज होती चली जाएगी। नंबर 6, अगर आप तरबूज यानी कि वाटरमेलन को ग्रिल्ड या फिर बेक करते हो तो वाटरमेलन अपना ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सीड्स होते हैं उसे लूज कर देते हैं और उसे हम एज ए मीट सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वाटरमेलन को ग्रिल करते हो तो आप उसे मीट की तरह भी यूज कर सकते हो।
नंबर 5, इस समय आपको स्क्रीन पर जो ये शख्स दिख रहा है, इसने 3 साल तक स्मोकिंग को छोड़ दिया और वो सारे पैसे जो ये स्मोकिंग में खर्च करता था उन पैसों को सेव करने लगा और 3 साल में उसने इतने पैसे सेव कर लिए थे कि जिससे वो एक कार खरीद सके। पर कोई इंसिडेंट से उसके अगले दिन ही उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उस शख्स की मौत हो गई। नंबर 4, अगर आप अमेरिकन डॉलर नोट के पीछे के हिस्से को कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर देखोगे तो कुछ ऐसा नजारा सामने आएगा। अगर आप इसे नॉर्मल बिना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाए देखोगे तो ये नॉर्मल ही लगेगा, पर जब आप इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो कुछ एलियन जैसी इमेज दिखेगी। इट्स माइंड बस्टिंग। नंबर 3, आज मैं आपको जिंदगी की एक सच्चाई बताता हूँ। जैसे कि आप पिक्चर में इस लाइन को देख सकते हो जो कि ऊपर नीचे है, पर जिस दिन ये लाइन सीधी हो जाएगी उस दिन हर कोई आपसे प्यार करने लगेगा। मतलब कि जब तक आप जिंदा रहते हो तो किसी को आपकी कदर नहीं होती, पर आपके मरने के बाद सब आपके लिए ही आंसू बहाते हैं। ये जीवन का एक कड़वा सच है। नंबर 2, क्या हुआ जब एक डेंजरस टाइगर और एनाकोंडा के बीच फाइट हुई। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये दोनों ही जानवर अपने अमेजिंग स्किल से हर फाइट को जीत सकते हैं, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि एनाकोंडा कभी भी जगे हुए टाइगर पर अटैक नहीं करता, क्योंकि एनाकोंडा को टाइगर को हराने के लिए उसे अपने बॉडी से टाइटली लपेटना पड़ेगा, लेकिन टाइगर जैसे फुर्तीले एनिमल पर उसका ये चाल नहीं चलेगा अनलेस जब तक टाइगर सोया या थकान ना हो। इसलिए इन दोनों फाइट में पहले अटैक हमेशा टाइगर ही करता है। और अगर हम बात करें इन दोनों में से लास्टली कौन जीतेगा, तो इसका जवाब होगा टाइगर, क्योंकि एनाकोंडा जितना भी कोशिश कर ले वो टाइगर के नुकीले दांत से अपने नेक को नहीं बचा पाएगा। नंबर 1, आपने आज तक न जाने कितने ये प्रेशियस एंड अमेजिंग स्टोन्स को देखा होगा, पर कभी आपने ऐसा उड़ता हुआ स्टोन देखा है? आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि ये फोटोशॉप एडिटेड इमेज नहीं है बल्कि रियल इमेज है। दरअसल ये एक स्टोन आर्ट है जिसको शाबान अब्बास ने 2008 में बनाया था, लेकिन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बीच में आपको ये रोप्स दिख रही हैं वो रोप्स नहीं बल्कि मेटल रॉड्स हैं, और ये मेटल रॉड्स स्टोन के अंदर भी मौजूद हैं ताकि ये इस स्टोन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये मैजिक स्टोन के पीछे का साइंस क्या था। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके दोस्तों के पास ऐसी अमेजिंग नॉलेज पहुंच पाए।